नमस्कार, आप देख रहे हैं देश देशांतर खबर स्पेशल। आज की 8 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका गौतम। खबर देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आज की पहली खबर। जनपद बरेली से यहां ब्लॉक रामनगर की ग्राम पंचायत पिपरिया वीरपुर में ग्राम प्रधान गौशाला के नाम पर खाना पूर्ति कर पैसे निकाल लिए हैं और गौवंश किसानों की फसल खाकर चत कर रहे हैं। यहाँ किसान परेशान है। यहाँ 3 वर्ष पूर्व बने अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र बना पशुशाला भी जुआरियों का अड्डा बन चुकी है और यहाँ वृक्षारोपण के नाम पर धांधली हुई है। अब आज की दूसरी खबर। जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक का आयोजन हुआ है। इस बैठक में सुभाष जोशी क्षेत्रीय मंत्री, हरेंद्र सिंह प्रांत महामंत्री, विवेक मिश्रा विभाग मंत्री और राम विनोद कुशवाहा विभाग मंत्री के साथ साथ सैकड़ों लोग आए। इस बैठक में आए आगंतुकों ने अपने विचार रखे। देखें हमारे सहयोगी राम गोपाल कुशवाहा की रिपोर्ट। हम पर हमला बोलने के लिए आए होंगे, हमारी संस्कृति पर हमला बोलने के लिए आए होंगे। 1000 वर्ष से पहले जो हम पर हमला बोलने के लिए आया उसको हमने यहां से मारकर अरब की गलियों तक खदेड़ कर निकालकर फेंकने का काम किया। वो हमसे जीत नहीं पाया। 1000 वर्ष की गुलामी की कालखंड में हम 7 बार अंग्रेजों से लड़े, उनकी कूटनीति से लड़े और 17 बार हम मुसलमानों से लड़े। हम 24 बार लड़ाई लड़े। इस 1000 वर्ष के गुलामी के कालखंड में हमारे कितने लोगों का बलिदान हुआ? 50 करोड़ लोगों का बलिदान हुआ। 50 करोड़ लोगों के बलिदान होने के बाद तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया। नहीं, ये देश ऐसे आजाद नहीं हुआ। ये देश को आजाद कराने के लिए हमारे बहुत महान क्रांतिकारी इस देश के अंदर पैदा हुए। वो कैसे क्रांतिकारी थे? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद के आजाद पार्क में जिस अंग्रेज के सेनापति ने उन सैनिकों को आदेश दिया, उन सैनिकों को कहा कि चंद्रशेखर आजाद के देश की आजादी के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेज से लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। उसको ऑर्डर देने वाला अंग्रेज शासक था, लेकिन उसके ऑर्डर को फॉलो करने वाले लोग कौन थे? जिस समय चंद्रशेखर आजाद को वहां पर घेरने की तैयारी हुई, सारे सैनिक उसको घेरने के लिए आजाद पार्क पर चले गए, चंद्रशेखर आजाद ने मैं अंग्रेजों के हाथ से न मारा जाऊं अपनी कनपटी पर पिस्टल लगाकर इस भारत माता की कोक को बचाने के लिए अपने आप को शहीद कर लिया। आएंगे ये अगर हम स्थापित करेंगे तो हिंदू समाज मजबूत होगा, हमारा नगर सुरक्षित होगा, हमारी बहन बेटी सुरक्षित होगी। हिंदू केंद्र पर करना क्या, अभी जो मुनिराज जी ने कराया 3 बार ओम का उच्चारण करना। ओम का उच्चारण करना क्यों? संगति शाखा लगती है और मुख्य शिक्षक लगाता है, लेकिन मुख्य शिक्षक को लगाता है वो कहता है संघ गच्छ, फिर कहता है अग्रेसर अर्धव्रत, अग्रेसर संघ सम्यक, ये आज्ञा होती है उसकी। हर आज्ञा के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अर्धव्रत क्यों किया, दक्ष इस बार क्यों किया, आराम क्यों किया। ऐसे हिंदू केंद्र में जितनी भी हमारी आज्ञाएं हैं या जो भी काम करना है हर के पीछे कोई ना। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। जनपद एटा के ग्राम करतला में जिला अधिकारी द्वारा जन चौपाल लगाकर आम जन समस्याओं का निराकरण किया गया। जन चौपाल में लोगों ने अपनी समस्याओं को खुलकर रखा। हमारे सहयोगी अरविंद कुमार के अनुसार जन चौपाल में जिलाधिकारी के अलावा SDM एटा, तहसीलदार एटा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। आज की चौथी खबर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों और केंद्रीय परिषद 2019-20 के लिए 12 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार की तरफ से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव के लिए नामांकन बुधवार 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच करके उम्मीदवारों के नाम की सूची 6 बजे तक प्रकाशित कर दी जाएगी। आज की पांचवी खबर।
बिहार पुलिस और जेल में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। दरोगा के 2000 से ज्यादा पदों के अलावा सार्जेंट, सहायक जेल अधीक्षक के पद पर भी नियुक्ति का विज्ञापन मंगलवार को जारी कर दिया गया। बहाली बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी। कुल 2446 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक बिहार पुलिस में दरोगा के 2064 और सार्जेंट के 215 पदों पर बहाली होगी। वहीं कारा विभाग के अधीन सहायक जेल अधीक्षक के 167 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें सहायक जेल अधीक्षक के 42 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे। अब अगली खबर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को ईडी द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद उनके चचेरे भाई और सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उनके समर्थन में उतर आए हैं। ईडी ने एक मामले की जांच के सिलसिले में राज ठाकरे को समन जारी करते हुए गुरुवार को पेश होने को कहा। उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से ये कहते हुए अपना परोक्ष समर्थन जाहिर किया कि ईडी द्वारा राज ठाकरे से पूछताछ में कुछ भी नहीं निकलेगा। उद्धव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ईडी द्वारा उनसे कल की जाने वाली पूछताछ से कोई नतीजा निकलेगा। अगली खबर। खेल जगत से टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच गुरुवार 22 अगस्त से दो मैचों के टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज में आगाज मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपने टीम के खिलाड़ियों को एक बड़ी सलाह दी है। दरअसल बीसीसीआई ने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ को सिर पर लगी गेंद से सबक लेते हुए टीम इंडिया के खिलाड़ियों को नेक गार्ड वाला हेलमेट पहनने की सलाह दी है। किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों से कहा है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए नेक गार्ड वाला हेलमेट पहन सकते हैं। आज की अंतिम खबर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से नेपाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वह भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक में हिस्सा लेने वहां पहुंचे हैं। नेपाल दौरे पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की है। संयुक्त आयोग की इस बैठक में भारत नेपाल संबंधों के संपूर्ण सरगम पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का केंद्र बिंदु आर्थिक साझेदारी, व्यापार और पारगमन, कनेक्टिविटी, बिजली, जल संसाधनों और जल प्रलय होगा। आज के देश देशांतर में बस इतना ही। बने रहिए ददस्तक 24 के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।